सलमान को धमकाने वाले का हुआ पर्दाफाश। कौन है सौरभ महाकाल जो खोलेगा मूसा वाले के हत्यारों का राज? सौरभ महाकाल है लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा। अब मूसा वाले के हत्यारे होंगे सलाखों के पीछे। बुधवार का दिन सलमान खान और उनके फैंस के लिए राहत की खबर लेकर आया। जानते हैं ना क्यों? क्योंकि सलमान को जान से मारने की धमकी देने वाला सौरभ महाकाल गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस तो यही कहती है कि इसी ने धमकी दी थी। माना यह भी जा रहा है कि इसकी गिरफ्तारी से मूसा वाले की मर्डर मिस्ट्री भी सुलझने की पूरी उम्मीद है। वो कैसे तो आगे आपको बताएंगे, मगर उससे पहले ये जान लीजिए कि कुछ दिन पहले बॉलीवुड के बिग बॉस कहे जाने वाले सलमान खान को धमकी मिली थी, मगर अब सलमान खान को धमकाने वाला पुणे पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जिस गैंगस्टर ने सलमान खान को धमकी दी थी उसका नाम मूसा वाले मर्डर केस से भी जोड़कर देखा जा रहा है। वो जानने से पहले ये भी जान लीजिए उस कुख्यात गैंगस्टर का नाम है सौरभ महाकाल, जिसे पुणे की स्पेशल ब्रांच की टीम ने धर दबोचा है। बड़ी बात यह है कि पुलिस ने इस गैंगस्टर को पुराने किसी मामले को लेकर पकड़ा, लेकिन वो तो मूसा वाले और सलमान खान को मिली धमकी के मामले से तार जुड़े होते हुए दिखाई देने लग गए। पुलिस के मुताबिक फिलहाल वो तफ्तीश में जुटी है, क्योंकि सौरभ कोई और नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का गुर्गा ही बताया जा रहा है। वही लॉरेंस बिश्नोई जिसका हाथ मूसा वाले मर्डर केस में बताया जा रहा है, और वही लॉरेंस बिश्नोई जिसने काले हिरण मामले में सलमान खान को सबके सामने जान से मारने की धमकी दी थी। तो क्या सौरभ महाकाल लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा है? तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे या जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब कोई इन्वॉल्व कर। ये वैसे इतने केस मेरे को होगा, कभी कन्विक्ट तो मैं आज तक हुआ नहीं, ना कोई खिलाफ गवाही हुई। लेकिन आप पे डाउट कर रही है पुलिस का, भाग जाएंगे? ये वो पुलिस जी, वो मेरी बात हुई उनसे, आपके वकील साहब से मैंने पूछा उनसे भी। लेकिन आप इतना डाउट किया, आप तो इतने बुखार हो। क्रिमिनल हुई ना, मैं तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था, और उसके बाद पुलिस वालों ने ही बना दिया ये, बिना मतलब के अलग अलग केसों में इन्वॉल्व करके। जब ये केस गया मैं तो पुलिस कस्टडी में था, इस केस में इन्वॉल्व करने बिना मतलब के करें। लेकिन पूरा ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप भाग जाएंगे, पुलिस इतनी सिक्योरिटी आपकी? तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे या जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। खैर, पुलिस बता रही है कि सौरभ महाकाल अभी मूसा वाले मर्डर केस को लेकर कुछ ज्यादा मुंह नहीं खोल रहा, लेकिन सलमान खान को उसी ने धमकी दी थी ये बात वो कबूल कर रहा है। धमकी यानी कि वो खत जो सलमान खान के पिता सलीम खान को मिला था, जिसमें लिखा था कि सलमान का हाल भी मूसा वाले के जैसा होगा, उम्मीद है ये शख्स और भी राज खोलेगा। पुलिस ने कहा है कि वो जल्द ही बड़े खुलासे करेगी। बड़ी बात यह है कि मूसा वाले की हत्या इस शख्स ने नहीं की, ऐसा दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है। इसीलिए पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही मूसा वाले की मर्डर मिस्ट्री इसी के सहारे सुलझ सकती है। लेकिन राहत की बात यह है कि सलमान को धमकाने वाला आज सलाखों के पीछे है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।